आज हम लोगों का ये पॉलिटिकल साइंस का पहला क्लास है और आप लोग बीए ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस में पहला ही क्लास कर रहे हैं। आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट चूज कर लिया। हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स 10+2 में इंटरमीडिएट में पढ़े हों पॉलिटिकल साइंस, ये भी मुमकिन है कि बहुत लोग नहीं पढ़े हों। इसलिए एज ए टीचर आज मेरा इम्तहान है कि क्या क्लास खत्म होने के बाद मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से करा पा रहा हूं या नहीं करा पा रहा हूं। जैसे आप किसी शॉप में जब जाती हैं या किसी हिस्टोरिकल प्लेस में जाती हैं तो आपको नहीं पता होता है कि कौन सी इमारत है, फिर कोई आपको कहता है ये ताजमहल है जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया था, ये मोहब्बत की निशानी है। तो क्या होता है कि ताजमहल जो एक मुर्दा सी जगह दिख रही थी आपको, अचानक से जिंदा हो जाती है ना, है ना, और फिर आप बहुत इमेजिन करने लगते हैं और अपने आप को उसे कनेक्ट कर लेते हैं। आप भी सोचने लगते हैं कि मैं भी जिसे मैं चाहता हूं या चाहती हूं उसके साथ ताजमहल घूमने में आऊं, या और तरह के ख्याल आते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि ताजमहल बना के शहंशाह ने, बादशाह ने गरीबों की मोहब्बत का मजाक भी उड़ाया। तो ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ये बहुत ही अहम है। अगर आज मैं अच्छे से क्लास लूं तो आपको लगेगा कि अरे मैंने तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेके बहुत ही अच्छा नहीं किया, एक बदल लूं या क्या कर दूं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पॉलिटिकल साइंस क्या है ये आप लोगों को मैं बताऊंगा। देखिए पॉलिटिकल साइंस जो है इसका जो पहला पेपर है जो मैं इस सेमेस्टर में आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम है पॉलिटिकल थियरी एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, आसान शब्दों में अगर कहें उसको, मतलब पॉलिटिकल थियरी जो है राजनीतिक सिद्धांत है उससे आपका एक परिचय कराया जाएगा, है ना। आप किसी से मिलते हैं ना, हेलो आई एम दिस, आपका क्या नाम है, अलीशा, हेलो आई एम अलीशा, हाय, आपका क्या नाम है, दीपाली, हेलो आई एम दीपाली। तो आप परिचय कराते हैं कि नहीं कराते हैं? उसी तरह से मैं पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है पॉलिटिकल थियरी उसका इंट्रोडक्शन करूं, हेलो हाँ आई एम पॉलिटिकल थियरी। तो आप पूछेंगे व्हाट इज दिस पॉलिटिकल थियरी, हु आर यू, क्यों पढ़ें, मुझे मन नहीं है, कुछ और काम करेंगे। फिर कोई उसमें इस क्लास के अंदर में से कोई बोल सकता है पॉलिटिक्स सो डर्टी थिंग्स, मेरे पापा बोलते हैं कि बेटा पॉलिटिक्स कभी मत करना, पॉलिटिशियन से दूर रहना, पॉलिटिशियन लोग बहुत ही करप्शन करते हैं, बहुत ही गलत काम करते हैं, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं तो अपना खाऊंगा पीऊंगा मौज करूंगा, अपना इंस्टाग्राम पे वीडियो डालूंगा, मुझे क्या जरूरत है पॉलिटिक्स का, डर्टी वर्ड है, नो मैं इलेक्शन में भी नहीं जाऊंगा, मैं वोटिंग में भी नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं करना है। क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में जो एक इमेज बनाई गई है या जो इमेज बन गई है वो बहुत हद तक एक निगेटिव इमेज बन गई है। पॉलिटिक्स है मतलब पावर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है मतलब डर्टी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है मतलब घूस लेना, करप्शन लेना, नेपोटिज्म करना, लड़ाई झगड़ा, बुरी 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 चीज। लेकिन पॉलिटिक्स का मतलब बुरी 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 चीज ही नहीं है, बुरी चीज हो सकती है पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं, लेकिन हम यहाँ बुरी चीज पढ़ने के लिए ग्रेजुएशन नहीं आए हुए हैं। यहाँ पर हम पॉलिटिक्स को उसके स्पिरिट में पढ़ने के लिए आए कि क्या है पॉलिटिक्स। तो देखिए पॉलिटिक्स हो या पॉलिटिकल थियरी हो,
ये जितने भी डिसिप्लिन हैं या आप लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, ये सारे डिसिप्लिन का एक मकसद होता है, एक गोल होता है ना, देयर इज अ पर्पस, है ना, हर चीज़ों का एक मकसद है ना भाई। पानी से प्यास बुझाया जाता है ना, खाना खाने से भूख खत्म होती है, ये फैन चल रहा है तो इसे हमें ठंडक लगती है। उसी तरह जो भी सब्जेक्ट है, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, वो सोसाइटी के बारे में पढ़ता है, सोसाइटी का अध्ययन करता है ना, सोशल लाइफ के बारे में अध्ययन करता है, सोसाइटी कैसी हो, सोसाइटी बेहतर कैसे हो, सोसाइटी में अमन और पीस कैसे हो, सोसाइटी में जस्टिस कैसे हो, सोसाइटी बेहतर कैसे हो, यही सब्जेक्ट का जो मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, ये सारे डिसिप्लिन का ऑलमोस्ट एक ही होता है। अब जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर में हम ज़्यादातर किस चीज़ों को ध्यान देते हैं कि सोसाइटीज़ के अंदर में जो उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो सही तरीके से लोगों में उसका वितरण हो, ताकि गरीबी, गैर बराबरी, भूखमरी ना रहे, लोगों को उचित मात्रा में चीज़ें मिलें, संसाधन रिसोर्सेज मिले। जब संसाधन और रिसोर्सेज मिलेंगे तो लोग खुश रहेंगे, लड़ाई और झगड़े कम होंगे, तो हमारी जो सोशल लाइफ होगी वो खुशहाल होगी कि बदहाल होगी? खुशहाल होगी। पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स की तरह अब जाके उत्पादन पे उस तरह से ध्यान नहीं देता है जिस तरह से आपका इकोनॉमिक्स दे रहा है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल साइंस भी इकोनॉमिक्स की ही तरह बन जाए तो फिर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में तो कोई फर्क नहीं होगा ना। पॉलिटिकल साइंस का भी फोकस सोसाइटी है, इकोनॉमिक्स का फोकस भी सोसाइटी है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में भी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल इंपॉर्टेंट है, गरीबी अमीरी का सवाल इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों उसी समस्या को अलग अलग तरीके से देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है, तो जब ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन करते वक्त आप जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो एक डॉक्टर हार्ट को देखता है, मॉनिटर करता है, एक व्यक्ति चीरा लगाता है, एक व्यक्ति जो है जो एनेस्थेसिया दिया जाता है जिससे कि इंसान बेहोश हो जाता है उसको देखता है। तो क्या है, सब ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि वो व्यक्ति सही हो जाए, लेकिन सबका स्पेशलाइजेशन अलग अलग है और सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं। इट्स नॉट कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जैसे क्रिकेट मैच के अंदर में एक बॉलर, एक बैट्समैन, एक विकेट कीपर का कोऑर्डिनेशन होता है कि नहीं। दे ऑल परफॉर्म डिफरेंट रोल एट द सेम टाइम, दे आर ऑल्सो यूनाइटेड इन देयर मिशन टू विन द गेम। सिमिलरली पोलिटिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, दे ऑल आर कंसर्न अबाउट एस्टैब्लिशिंग ए गुड सोसाइटी, बट दे डू इट इन देयर ओन वे, है ना। कविता आप जब हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी की तरह लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश की तरह लिखते हैं, उसी बात को जब ऐसे लिखते हैं तो दूसरे तरीके से लिखते हैं, है कि नहीं। तो पॉलिटिकल साइंस में और इकोनॉमिक्स में मेल भी है ना, क्रिस क्रॉस भी करते हैं, लेकिन दोनों के थोड़े देखने के तरीके अलग होते हैं, क्योंकि दो अलग अलग डिसिप्लिन है ना। एक हार्ट का डॉक्टर है, एक सर्जन है, एक मेडिसिन देने वाला डॉक्टर है, सब इलाज कर रहे हैं, लेकिन सबके स्पेशलाइजेशन थोड़े अलग होते हैं। तो उनके स्पेशलाइजेशन भी हैं और उनके बीच में कॉमन चीज़ें भी हैं। तो इस सेंस में हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ये मत समझिए कि पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल ही अलग है और इकोनॉमिक्स में कुछ और पढ़ाई जाती है और पॉलिटिकल साइंस में कुछ और पढ़ाई जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट मैटर बहुत मेल करेगा, लेकिन टूल्स इसके अलग होंगे, इसमें कहानियाँ कुछ और तरीके की कही जाएगी। इसलिए सब्जेक्ट के बीच में एक दोस्ती भी होती है, एक सिमिलैरिटी भी होती है और एक उनके बीच में एक डिफरेंस भी होता है, ठीक है। तो हम जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस नहीं भी पढ़ा है और अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो आप ये मत समझिए कि ये कोई दूसरी दुनिया की बात है, कोई मार्स और कोई दूसरे ग्रह की बात है, दूसरे प्लैनेट की बात, नहीं। इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू योर ओन डिसिप्लिन। तो ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम की एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है कैटरीना मैकिनन,
उनकी एक रीडिंग लगी हुई है आप लोगों के कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इश्यूज इन पॉलिटिकल थियरी, एक किताब है उसका एक इंट्रोडक्शन है व्हाट इज पॉलिटिकल थियरी, उसी में प्रोफेसर कैटरीना मैकनिनन जो यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, जैसे हमारा यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो उनका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, वहां के प्रोफेसर हैं, उन्होंने पॉलिटिकल थियरी को कैसे डिफाइन किया है, पॉलिटिकल थियरी इज ए स्टडी ऑफ हाउ शुड वी लिव टुगेदर, पॉलिटिकल थियरी इज ए स्टडी ऑफ हाउ वी शुड लिव टुगेदर, इन अदर वर्ड्स हमारी जो सोशल लाइफ है, हमारी जो सामाजिक जिंदगी है, उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, उसको किस तरह से एक अच्छे ढंग से जीना है, इस यही मेन फोकस है पॉलिटिकल साइंस का। कि प्रोफेसर कैटरीना मैकिनन जो यूनाइटेड किंगडम के यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग की प्रोफेसर हैं, उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा कुछ इस तरह से दी है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मानव की जिंदगी, मानव की सामाजिक जिंदगी किस तरह से उसको आयोजित की जाए, व्यवस्थित की जाए, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो हमारी सामाजिक जिंदगी कैसे हो, कैसे उसको बेहतर बनाया जाए, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो, यही मेन फोकस है पॉलिटिकल थियरी का। इसी तरह जो मैं पढ़ाऊंगा, मैं जो बोल रहा हूं, तो आप उस वक्त उस बातों को सुन लेंगे तो आपको हमेशा एग्जाम में अपने मन से लिखना है। जो व्यक्ति अगर मेरी बातों को हूबहू लिखेगा वो क्या हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, और जो व्यक्ति मेरी बातों को सुनेगा उसको अपने दिमाग में बैठाएगा और जो चीजें उसको अच्छी लगेगी उसको लेगा, जो चीजें अच्छी नहीं लगेगी उसकी आलोचना करेगा, तब आप एक ह्यूमन माइंड हैं, है ना। तो हम वी आर नॉट रोबोट, वी आर नॉट कंप्यूटर, वी आर नॉट टेप रिकॉर्डर, वी आर ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग को पता है क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है। बच्चे को भी पता होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। छोटे बच्चे को, अगर 5 साल के बच्चे को आप जाके बोलेंगे बेटा ये पैसे ले लो, अगर कागज देंगे तो फेंक देता है कि नहीं फेंकते, लेकिन जब असली पैसे देंगे तो रख लेगा। उसे भी 5 साल में पता चल जाता है कि ये नोट है, ये नकली माल है और ये असली माल है। तो हम जब पढ़ाएंगे तो आप कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है कि आप उसको हूबहू बोलना है, अरे मैं तो इतना बड़ा टीचर हूँ मेरी हर बात सही नहीं। सबसे पहला काम एक स्टूडेंट का होता है कि टीचर की बातों को सुने ध्यान से, लेकिन वो टीचर का गुलाम नहीं है, वो आप हमारे बराबर हैं, आदरपूर्वक अपनी बातों को शांतिपूर्वक तर्क के साथ लॉजिक के साथ कहिए, लेकिन डरने की बात नहीं है, है ना। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम देता है, बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार है हमें, हम अपनी बातों को बोल सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुली से, और हम टीचर को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं और हम सरकार को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं अगर उनकी पॉलिसी गलत है, तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल थियरी जो है, इसका अध्ययन जो है वो है समाज को कैसे व्यवस्थित की जाए, समाज का कैसे अध्ययन किया जाए, समाज का जो सोशल लाइफ है इसके बारे में उसका अध्ययन है। तो ये बताइए, ये भी इकोनॉमिक्स से मेल खा रहा है कि नहीं खेल रहा है। इकोनॉमिक्स का क्या फोकस है कि सोसाइटीज के अंदर में जितने भी लोग हैं उनके बीच में उत्पादन और वितरण को सही किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो भी सोसाइटी से कंसर्न है कि नहीं। तो वहां पे ज्यादा फोकस जो है वो आपका, वो है आपका वितरण और डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंस कैसा हो, है ना, किस तरह से शासन कैसा हो, है ना, लोगों को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, लोगों को क्या अधिकार दिए जाए, लोगों का बोलने का अधिकार क्या होगा, लोगों को राज्य के क्या अधिकार होंगे, जनता के क्या अधिकार होंगे, राज्य क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो हमने यही पाया कि पॉलिटिकल थियरी जो है इसका जो फोकस है वो सोशल लाइफ के बारे में है, ह्यूमन बीइंग के बारे में है, सोसाइटी के बारे में है, और सोसाइटी में कैसे कोऑपरेशन हो, ये भी उनका सवाल है, सोसाइटी में कैसे कोऑपरेशन हो। एरिस्टोटल महान विद्वान है ना, आपका ग्रीस का पॉलिटिकल फिलोसोफर, बहुत बड़ा थिंकर,
उन्होंने कहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है एक पॉलिटिकल एनिमल है। क्या कहा? मानव जो है, इंसान जो है एक पॉलिटिकल एनिमल है। पॉलिटिकल एनिमल का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि इंसान की जो जिंदगी है, इंसान की जो तरक्की है, इंसान का जो अस्तित्व है वो समाज में ही है, वो एक कलेक्टिव ही है। कोई इंसान अकेले नहीं रह सकता है ना। हम जब अपने कमरे में जब जाते हैं और हमारा एक घर होता है और उस घर में हम चार दीवारी में हर तरफ से बाउंड्री लगा देते हैं और दूसरों को आने नहीं देते हैं, तो हमारे मन में एक ख्याल आने लगता है, अरे हमें दूसरों से क्या लेना देना है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं लेना है ना। पानी कहाँ से आता है, दूध कहाँ से आता है, सब्जियाँ कहाँ से आती है ना। सरकार ने जो कानून बनाया उसका असर आपके ऊपर होगा। बिजली का बिल कितना देना होगा या बिजली का बिल माफ होगा, रात में आप कितने बजे निकलेंगे, कितने बजे नहीं निकलेंगे, किस दिन शहर में कोई कर्फ्यू लगेगा, किस दिन नहीं लगेगा, तो बाहर की जिंदगी से आप रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं कि नहीं है। आप क्या कह सकते हैं? नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं आप? तो जो लोग बोलते हैं मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, मैं पॉलिटिक्स सुनना नहीं चाहता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपनी जिंदगी अकेले जीती हूं, ये मुमकिन है ना। अगर बारिश हो और मैं अपने घर के सारे शीशे को बंद कर दूं, कहूं बारिश हो ही नहीं रही है, कहां हो रही है? अरे बारिश होती तो मैं भीगता नहीं। अरे बारिश हो रही है, आप देखना नहीं चाहते हैं। समाज में गरीब लोग हैं, लेकिन आप अगर गरीब नहीं हैं तो आपको गरीबी कहीं दिखती नहीं है। आप महिला हैं, महिलाओं की समस्या होती है, मर्द और महिला की समस्या को समझना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सारे मर्द है ना, नहीं समझना। बस में आपको क्या दिक्कत होती है, मेट्रो में क्या दिक्कत होती है, आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में क्या दिक्कत होती है, आप घूमना चाहें तो मम्मी और पापा के कैसे कैसे परमिशन लेने पड़ते हैं। ये दिक्कत जो है ना लड़कों को, तो लड़के जब चाहे तो जहां घूमने से शुरू हो जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स को ये कहना है बुरी चीज है, एक गंदी चीज है, पॉलिटिक्स मत करो, ये मत करो, है ना। आईएएस बनो, ठीक है, आईएएस बनो, मोस्ट वेलकम, आप सिविल सर्विसेज में जाइए। लेकिन क्या सिविल सर्विसेज में अगर आप चले भी गए हैं तो क्या आप सिविल सर्विसेज का काम या प्रशासन का काम अकेले करेंगे कि उसमें मंत्री और नेता का भी रोल होगा? होगा कि नहीं होगा? सब एक दूसरे से लिंक्ड है कि नहीं? क्या आप वहां भी जाएंगे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो आईएएस बन गई हूं, है ना, मैं तो अपने मन से करूंगी? ऐसा नहीं है, एक कोऑर्डिनेशन है। तो पॉलिटिक्स जो है इट्स नॉट ऑलवेज डर्टी। आज आप इस कॉलेज में पढ़ रही हैं, आज महिलाओं को अधिकार है कि शिक्षा ले सकते हैं। एक जमाने में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। एरिस्टोटल जैसा महाविद्वान जो है उसने भी महिलाओं को मर्दों के मुकाबले में इन्फीरियर समझा। महिलाओं को मर्दों के मुकाबले में इन्फीरियर समझा, है ना। और बहुत सारे थिंकर्स, चिंतक जो हैं, महिलाओं को मर्दों से थोड़ा कम अकल का समझते थे, है ना, उनके अंदर में औरत को लेके बायसनेस थी। बहुत सारे थिंकर जो हैं पॉलिटिकल साइंस में, वो मर्द ही थे ज्यादा, है ना, वो औरतों को समझते ही नहीं थे कि औरत भी उनके बराबर हो सकती हैं। लेकिन जमाना बदला, बहुत सारी चीजें बदली, अभी बहुत बदलनी है। आज आप क्लास में पढ़ रही हैं तो इसके लिए महिला आंदोलन का रोल है कि नहीं? किसी ने कुर्बानियां दी हैं तभी ना। जो औरत पहली बार स्कूल में जाने के लिए अपना बैग लेके निकली होगी, उसके ऊपर क्या हुआ होगा सोचिए, उसने लड़ाई लड़ी ना। सावित्री बाई फूले का आप लोगों ने नाम सुना होगा। सावित्री बाई फूले ने महिलाओं के लिए स्कूल खोला। कब खोला? आज से तकरीबन कितना साल हो गया, 150 साल से 200 साल अब होंगे, कुछ मतलब 160-170 साल हो गए। इतने साल पहले खोला, उनके ऊपर पत्थर, गोबर, क्या क्या नहीं फेंका गया। तो उनकी कुर्बानी की वजह से आप यहां पे हैं। तो पॉलिटिक्स को हम कह देंगे नहीं, हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको कुछ कोई मतलब नहीं है, क्या पॉलिटिक्स है, ये सब बेकार की चीज है। ये इतना ट्रू नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट देयर आर पीपल हु आर करप्ट, देयर आर पीपल हु आर नॉट सिंसियर, बट यू टेल मी दैट इन एवरी प्रोफेशन यू फाइंड करप्ट पीपल, देन वाई ओनली टू ब्लेम पॉलिटिशियन ओनली? अगर करप्ट लोग और भी प्रोफेशन में होते हैं, अगर टीचर करप्ट हो सकता है, अगर सिविल सर्वेंट्स करप्ट हो सकते हैं,
अगर बिजनेसमैन करप्ट हो सकता है तो उसी तरह से पॉलिटिशियन भी करप्ट हो सकता है। तो ये कहना कि पॉलिटिक्स नहीं, नहीं। ये तो आज के क्लास में मेरा इंट्रोडक्शन जो मैं आपको पॉलिटिकल थ्योरी का पढ़ा रहा हूं वो यही है कि पॉलिटिक्स का मतलब नेतागिरी नहीं है सिर्फ, पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ इलेक्शन से नहीं है, पॉलिटिक्स का मतलब हुआ पब्लिक, सोशल लाइफ, जनता, जनता के सवाल, जनता के मसाइल, जनता के इश्यूज, सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज हो, समाज में कोऑपरेशन कैसे हो, सामाजिक जिंदगी हमारी कैसी हो, कौन से तरह के पद्धति शासन की सही है, क्या हमें राजतंत्र चाहिए या हमें डिक्टेटरशिप चाहिए या हमें लोकतंत्र चाहिए, महिलाओं को कितने अधिकार होने चाहिए, क्या उनको बराबरी मिलनी चाहिए, क्या उनको वोटिंग राइट मिलनी चाहिए, क्या गरीबों को अधिकार मिलने चाहिए, क्या अमीरों के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, क्या दलितों को, क्या निचली जाति के लोगों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, ये तमाम सवाल पॉलिटिक्स के हैं और ये तमाम सवाल आपकी जिंदगी को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहता है मुझे पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। अभी गैस के सिलेंडर की कीमत कुछ कम हुई है ना, 200 रुपए न्यूज में आया था, तो क्या आपको लगता है इसमें पॉलिटिक्स का एंगल नहीं है? जरूर होगा, लेकिन कोई कहेगा हमें देखना ही नहीं है। नहीं, अब आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, अब आप स्कॉलर हैं पॉलिटिकल साइंस के, अब आपको पॉलिटिकल साइंस के चश्मे से दुनिया को देखना होगा। और जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं और पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं, डोंट ऑलवेज थिंक दैट इट इज ऑल अबाउट करप्शन, डर्टी पॉलिटिक्स। यस, देयर इज अ करप्शन, वी मस्ट फाइट इट आउट, देयर आर डर्टी पीपल, वी मस्ट अपोज देम, वी मस्ट डिफीट देम, बट टू से दैट दिस प्रोफेशन इज ए डर्टी गेम, दैट इज नॉट ट्रू। आपने बहुत सारे लोगों ने 1980s में बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, पुरानी फिल्म अगर आपने देखी होगी तो, मैंने कुछ कुछ देखी है, मैं तो नाम याद नहीं कर सकता, उसमें हमेशा दिखाया जाता है कि पॉलिटिशियन करप्ट होता है ना, और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो बहुत ही ईमानदार होते हैं, दिखाया जाता है ना उसमें। इतना भी बिल्कुल इतना सही नहीं है, करप्ट कोई भी हो सकता है। सो पॉलिटिक्स की इमेज हमारे बारे में बहुत ही निगेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। और पॉलिटिक्स में जो एक महत्वपूर्ण सवाल होता है वो शासन पद्धति का होता है, कैसा शासन पद्धति हो, डेमोक्रेसी हो कि राजतंत्र हो कि लोकशाही हो, डेमोक्रेसी भी हो तो कैसा डेमोक्रेसी हो, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो कि वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, क्या वो अमेरिकन मॉडल हो या ब्रिटिश मॉडल हो या कुछ ऐसा मॉडल होगा जो ब्रिटेन से हम जरूर लेंगे लेकिन हम अपने अनुभव से भी कुछ चीज़ों को उत्पन्न करेंगे, उसको पैदा करेंगे, कुछ चीज़ें हमारी भी आएंगी, ये भी सवाल पॉलिटिक्स का है। सवाल है स्टेट, स्टेट का मतलब होता है राज्य, है ना। अब आप पूछेंगे मुझसे, सर ये राज्य कहाँ होता है ना, जिस तरह से मैं आपको ये मोबाइल फोन दिखा सकता हूँ, आप पूछेंगे सर वेयर इज मोबाइल फोन, तो मैं दिखा सकता हूँ ये मोबाइल फोन है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एक पेन है ना, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये नोटबुक है, उस तरह से मैं आपको स्टेट नहीं दिखा सकता हूँ। मतलब कुछ ऐसी स्टेट नाम की कोई चीज नहीं है कि मैं आपको जाके दिखा दूं ये देखो ताजमहल स्टेट। स्टेट जो है वो बेसिकली जैसे भारत के अंदर में आप देखिए पार्लियामेंट, जुडिशियरी, आर्मी, पुलिस, यूनिवर्सिटी, इनकम टैक्स, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे स्टेट के ही रूप हैं, वही स्टेट हैं, सरकार राज्य है ना। तो कहने का मतलब है कि स्टेट एक कॉन्सेप्चुअल टर्म है, मतलब राज्य जो है वो दिखता नहीं है लेकिन राज्य हर जगह विजिबल है। जैसे आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज में एक टीचर है, टीचर को किसी ने अपॉइंट किया, कैसे अपॉइंट किया, स्टेट ही तो अपॉइंट किया, सैलरी कौन देता है, स्टेट ही तो देता है। तो स्टेट के साथ हम सिटीजनशिप का क्या रिलेशन रहेगा, जैसे अगर आप लोगों को मान लीजिए कि सुविधाएं एज ए छात्र के तौर पे नहीं मिल रही है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके लिए हॉस्टल हो, आप चाहते हैं कि आपको किताबें फ्री में मिले, आप चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिले और नहीं मिल पा रहा है, तो आपने कहा हम इसका विरोध करेंगे, है ना, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो जब आप अपने हक के लिए लड़ेंगे और जोर जोर से नारा लगाएंगे
और मान लीजिए आप कहीं बैठ जाएंगे धरने पर कि हमको हमारा अधिकार दो, उस वक्त पुलिस वहां पे आएगी, तो पुलिस स्टेट ही है ना, पुलिस आके वहां पे कहेगी अरे आप लोग यहां पे हंगामा कर रहे हो, निकलो निकलो यहां पे। तो कौन सही है बताइए, कौन सही है, हु इज राइट, पुलिस सही है कि आप सही हैं? हैं? लेकिन पुलिस कहेगी हम सही हैं क्योंकि आप लोग यहां पर डिस्टर्बेंस कर रहे हो। एक बात मैं कह रहा हूं, पुलिस के मुताबिक हम सही हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक हम सही हैं, लेकिन आप जो प्रदर्शनकारी हैं, आपको लगता है कि हमारा अधिकार का हनन हो रहा है, तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, हम अपने अधिकार को मांग के रहेंगे, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यह हमारा अधिकार है। तो कई बार क्या होता है कि राज्य जिसका नुमाइंदा पुलिस है ना, और जनता जो आप हैं, इनके बीच में टेंशन होता है कि नहीं टेंशन होता है। वो चाहेगा कि आप खामोश रहें, वो चाहता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर बनाकर रखें, वो चाहता है कि आप डिसिप्लिन में रहते हैं, वो चाहता है कि आप सरकार को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज ना करें, वो चाह रहा है कि जो भी कानून बनाए उसको पास करें, और आप क्या देखते हैं, हमारे अधिकारों पर हनन हो रहा है। तो पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत बड़ा इशू है कि स्टेट के साथ और सिटीजन का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी नागरिकों के और राज्य के बीच में क्या संबंध हो, क्या राज्य को ज्यादा पावर देना चाहिए या नागरिकों को ज्यादा पावर देना चाहिए। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ले लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान, हमारे संविधान में एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, क्या बोलते हैं उसको, मौलिक अधिकार। कोई बता सकता है फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स जो है वो नागरिकों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिस अधिकार को राज्य किसी भी हालत में उसे छीन नहीं सकता है, या दूसरे तरीके, दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य तो कि बहुत ही ताकतवर है, उसके ऊपर एक तरह का अंकुश लगाया गया है कि देखिए आप इस से ज्यादा आप जनता के अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे संविधान में कि सब लोग बराबर हैं, ऑल आर इक्वल, हम किसी भी राज्य जो होगा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राज्य किसी को जाति धर्म लिंग भाषा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब एक चीज बताइए, अगर आपके कॉलेज में अगर एक कानून बने कि इस कॉलेज में ये बच्चे पढ़ेंगे और वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो क्या हमारा संविधान इसे सही मानेगा कि गलत मानेगा? गलत मानेगा, क्योंकि संविधान ने राज्य को, यानी यूनिवर्सिटी भी तो राज्य का एक हिस्सा है, उसको कह दिया है कि अगर आप कॉलेज खोलोगे तो उसके दरवाजे सबके लिए खुले रहेंगे, आप किसी भी धर्म जाति विशेष को रोक नहीं सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज है अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत है हमारे देश में, हमारे संविधान में एक अपराध है, आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान होटल में जाए और कहे भाई साहब आप हमें मसाला डोसा और चाय दे दीजिए, तो अगर होटल वाला पूछता है आपका नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम अभय है, पूछा आप किस जाति से हैं, तो मैं इस जाति से हूं, तो बोला नहीं भैया हम आपको इस जाति के लोगों को चाय नहीं देंगे, है ना, समोसा नहीं देंगे, तो उस वक्त पे जो होटल वाले हैं उनको जेल होगी कि नहीं होगी? क्योंकि हमारे संविधान ने साफ तौर पर कहा है कि आप छुआछूत किसी के साथ नहीं कर सकते हो। तो उसी तरह से हमें बोलने का अधिकार है। अगर आपने अपनी कोई बात, है ना, मान लीजिए कि दिल्ली में गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई, दिल्ली में बस का किराया बढ़ गया, दिल्ली में बिजली के रेट बढ़ गए, दिल्ली में बच्चों के फीस बढ़ गए, तो आपने इसका विरोध किया और आपने एक अखबार में एक लिखा, एक आर्टिकल लिखा कि बच्चों की फीस बढ़ा देने से गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये गलत फैसला है, तो क्या सरकार आपको जेल में डाल देगी? नहीं, इसलिए नहीं डालेगी कि हमारे संविधान में एक अधिकार दिया गया है नागरिकों को कि आर्टिकल 19 के तहत उनको बोलने का अधिकार है। अगर उनके बोलने से समाज में दंगा भड़कता है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है ना, समाज में ये बंद हेट्रेड पैदा होता है, दो कम्युनिटियां लड़ने लगती हैं, तब आप उनको उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर शांतिपूर्वक तर्क के साथ अगर वो आलोचना भी सरकार के करते हैं तो आप उनको जेल में नहीं डाल सकते हैं। तो अगर आपको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी और मजिस्ट्रेट मतलब जज साहब पूछेंगे क्यों आपने इनको पकड़ के लाया है,
तो ये कहेंगे ये आर्टिकल लिखे हैं, तो क्या आर्टिकल लिखने में क्या दिक्कत है? तो सर इससे लड़ाई झगड़ा पैदा हो जा रहा है। बोले कहां लड़ाई झगड़ा पैदा हुआ बताओ, बताओ कहां लड़ाई झगड़ा हुआ। तो पुलिस कहेगा सर हो सकता है, हो सकता है क्या मतलब है हो सकता है? अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उनको उनको बोलने का अधिकार है, आप उनको रोक नहीं सकते, रिहा कीजिए उनको। तो ये अधिकार कहां से मिला है? संविधान से मिला है ना। तो संविधान जो है हमें अधिकार दिया हुआ है, और उस अधिकार की वजह से राज्य हमारी बहुत ज्यादा, एक हद से ज्यादा हमारी जिंदगी में दखल नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए मुझे शादी यहां न करके वहां करनी है, इस लड़की से नहीं उस लड़की से करनी है, या मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं, तो क्या राज्य इसको रोक सकता है? क्योंकि आपको धर्म बदलने का, आपको शादी ब्याह करने का, आपको जिस तरह का जीवन पद्धति जीना है, इसकी पूरी आजादी हमें हमारा संविधान देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सुरक्षा के नाम पे है ना, कई बार आपके अधिकारों के ऊपर हमला भी हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कुछ बोलना चाहती हैं तो कई मामले में पुलिस आपको गिरफ्तार करते हैं कि आपके बोलने से समाज में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब समाज में लड़ाई झगड़े पैदा हो रहे हैं ना, आप अंदर चलिए, आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं, आप जेल में चलिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि नागरिकों के अधिकार और राज्य की ताकत दोनों के बीच में है कि नहीं है, कुछ टेंशन है कि नहीं है, वो भी हमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है ठीक है। और लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, स्वतंत्रता, हमें कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं हुआ मुझे सड़क पे चलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे आगे पैदल चल रहा है तो क्या मैं अपने पीछे से जाके अपनी गाड़ी को जाके उनको धक्का मार सकता हूं? क्योंकि उसकी भी तो स्वतंत्रता है चलने की। आपकी स्वतंत्रता है अगर गाड़ी चलाने की, तो उसकी भी तो स्वतंत्रता है रोड पर चलने की, तो आप बगल से निकलेंगे। तो एक की स्वतंत्रता कई बार दूसरे की स्वतंत्रता से टकराती है कि नहीं टकराती है, तो इसका भी हमें बहुत अध्ययन करना पड़ता है। कई बार क्या होते हैं कि एक समुदाय के अधिकार दूसरे समुदाय के अधिकार से टकराते हैं। अब मान लीजिए रिजर्वेशन का मामला ले लीजिए, ओबीसी रिजर्वेशन यानी पिछड़ी जाति के लिए रिजर्वेशन 1990 में, 7 अगस्त 1990 में उस जमाने की बीपी सिंह सरकार जो थी उन्होंने लागू किया था, उसको लेके ऊंची जाति के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि अरे इनको सब नौकरी मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे। कुछ लोगों ने जूता पॉलिश करना भी शुरू कर दिया इसमें, क्या इसके विरोध में, लेकिन पिछड़ी जाति के लोगों का कहना था कि नहीं, हम जो हैं कॉलेज नौकरियां सबसे हम बाहर हैं, अगर हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो हम कभी सामने नहीं आ पाएंगे, हम आगे नहीं आ पाएंगे, हम भी देश के नागरिक हैं, हमें अपनी आबादी के मुताबिक हमें भी अधिकार चाहिए। तो उस समय टेंशन हुआ था, तो एक तो रिजर्वेशन भी एक तरह का, एक कभी रिजर्वेशन की वजह से टेंशन होता है कि नहीं होता है, कुछ लोग रिजर्वेशन के समर्थक हैं और कुछ लोग इसके विरोधी हैं। तो हमें देखना है इस चीजों को भी कि अधिकारों के बीच में भी टकराहट होती है। जो लोग रिजर्वेशन के समर्थक हैं वो कहते हैं कि भैया जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो एजुकेशन में बैकवर्ड हैं, जो सोशली बैकवर्ड है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग रिजर्वेशन का विरोध करते हैं वो कहते नहीं, हमारा संविधान जो है सबको बराबरी की बात करता है, तो क्यों इनको तुम रिजर्वेशन दोगे, सबको बराबरी ट्रीट करो। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे वैल्यूज होते हैं पॉलिटिकल साइंस के वैल्यूज, सोशल जस्टिस और सब बराबर है इक्वालिटी, उसके बीच में कभी कभी टकराहट पैदा की जाती है। ये भी चीज हमें पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ना है। अब आप बस में चलते हैं तो लड़की लोगों को, महिलाओं को पिंक टिकट मिलता है, उसमें टिकट में पैसे नहीं होते हैं, पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन कुछ लोग उस पर भी आपत्ति करते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, ये भी एक सवाल है ना। तो आप क्या जवाब देंगे, महिलाओं के स्थिति और मर्दों की स्थिति बराबर नहीं है, है ना, महिलाएं बाहर आती हैं तो उन्हें तरह तरह के परेशानी झेलनी पड़ती है, तो सरकार ने अगर महिलाओं के लिए पिंक टिकट दिया है तो वो उनकी भलाई के लिए वो ये अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं 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 पिंक टिकट क्यों, वो तो मैडम बहुत पैसे वाली है, मैं तो कम पैसे वाला हूं, मुझे मिलना चाहिए। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी एक अधिकार दूसरे अधिकार से टकराने वाले दिखते हैं, कभी कभी एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से टकराना लगता है, वो अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, रिजर्वेशन, ये भी इशू हमें पॉलिटिकल साइंस के अंदर में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है अथॉरिटी,
अथॉरिटी हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे, राज्य की अथॉरिटी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। सवाल है कि राज्य की अथॉरिटी, राज्य चाहता है कि हमारी अथॉरिटी लोग माने, लेकिन जब राज्य जो है लोगों को अधिकार नहीं देगा, लोगों का लोक कल्याण नहीं करेगा, लोगों के अधिकारों पर हनन करेगा, तो फिर उस अथॉरिटी को भी क्वेश्चन करना लोग शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम लोग को पढ़नी होती है। फिर आजकल एक मसला है प्राइवेसी, प्राइवेसी, क्या आप फोन पे जो बात कर रहे हैं क्या उसे किसी दूसरे आदमी को उसको सुनना चाहिए, क्या उसको रिकॉर्ड होना चाहिए, क्या आपके निजी लाइफ में आना चाहिए। जैसे पुलिस कई बार क्या करती है कि आपके प्राइवेट फोन को टैप करती है ना, और उसको किस किस लिए जस्टिफाई किया जाता है, क्योंकि आप जो है समाज के लिए खतरा है, आप एक क्रिमिनल हैं। और कई बार जो मानवाधिकार के जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि नहीं, सरकार जो होते हैं जिन लोगों से नाराज हो जाती है उनके पीछे इस तरह की जासूसी करवाती है। तो प्राइवेसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको आधार कार्ड के बारे में भी सुना होगा, अखबार में पढ़ो कि आधार कार्ड का भी कई बार दुरुपयोग हो जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर सवाल यह है सिक्योरिटी के नाम पर, आप जब मेट्रो में कभी जाते हैं और आपको जल्दी जाना होता है मेट्रो में, लेकिन आपको एक सिक्योरिटी का चेक करना पड़ता है, एयरपोर्ट पे चेक करना पड़ता है आपको, आप बाहर आ रहे हैं कॉलेज के बाहर तो आपको सिक्योरिटी बार बार दिखाना पड़ता है आई कार्ड। तो आप कभी कह सकते हैं भाई इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों, हम तो यहाँ के स्टूडेंट हैं, हमें आने देना चाहिए, लेकिन वहाँ पे अथॉरिटी क्या कहेगा, गार्ड क्या कहेगा, नहीं नहीं मैडम बाहर के लोग आ जाते हैं हमें चेक करना होगा। तो कई बार आपकी सुविधा, आपके अधिकार और सिक्योरिटी के बीच में टेंशन होता है कि नहीं होता है, ये भी सब्जेक्ट जो है ये इसको भी हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। इलेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, कौन सी पार्टियां हारी, कौन सी जीती, क्यों हारी, हम कास्ट के बारे में पढ़ते हैं, जाति के बारे में पढ़ते हैं, रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं, सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ते हैं, हम रिजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं, आदिवासी के बारे में पढ़ते हैं, मार्जिनलाइज ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, वार के बारे में पढ़ते हैं, पीस के बारे में पढ़ते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जेंडर, क्लाइमेट चेंज, गरीबी अमीरी, है ना, ये सब चीजें पढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि ये सारे सवाल पॉलिटिकल साइंस के अंदर में आते हैं, लेकिन हमारा सेमेस्टर छोटा है ना, हम 3-4 महीने 5 महीने के अंदर में हम सारी दुनिया की चीजें तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हम बार बार इन्हीं सारे इश्यूज में आएंगे, हम बार बार समझिए रोज आना है, यही आना है, ये वर्ड बार बार आपको आएंगे। तो इस सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, आपका ये जो सेमेस्टर है इसमें पढ़ना है आपको पॉलिटिकल थियोरी में पढ़ना है लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स और शायद सेंसरशिप है। मैं आपको मैं सिलेबस अभी शेयर कर दूंगा, मेरे पास है सिलेबस, अभी मैं आपको कर दूंगा। तो आपको सिर्फ 4 ही 5 कंसेप्ट पढ़ना है, क्या है पॉलिटिकल थियोरी में लिबर्टी, अभी मैं बता देता हूं, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, लिबर्टी इक्वालिटी राइट्स, ये सब चीज़ पढ़ना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ये सारे इशू एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ऐसा नहीं है कि हम जब लिबर्टी की बात करेंगे तो एक कास्ट और रिजर्वेशंस नहीं आएगा, जब हम लिबर्टी की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम उसमें अथॉरिटी की बात नहीं करेंगे, हम उसमें स्टेट की बात नहीं करेंगे, सारे चीज़ें आती रहेंगी। अब सवाल ये होता है कि पॉलिटिकल थियोरी कैसे पढ़ें, है ना, आपने ये सवाल इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि क्या पॉलिटिकल थियरी जो है वो नॉर्मेटिव है या पॉलिटिकल थियरी डिस्क्रिप्टिव है। ये दो वर्ड होते हैं, क्या ये नॉर्मेटिव है या पॉलिटिकल साइंस डिस्क्रिप्टिव है। अब ये थोड़ा दो टर्म है जरा याद करिए, नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव। नॉर्मेटिव का मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि चीजें ऐसी होनी चाहिए, है ना, जहां पे वैल्यू हो, वैल्यू जजमेंट होता है ना। और डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है चीजें ऐसी ही है, यानी आप उसको बता देते हैं कैसी है। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे सवाल पूछा, अच्छा बच्चों ये बताओ 5 मैंगोस और 5 मैंगोस को मैंने एक बास्केट में डाल दिया तो कितने मैंगोस हुए, बोलिए। 5 मैंगोज को एक जगह डाला और फिर 5s को उसमें डाल दिया एक बकेट में, तो कितने मैंगो हुए, 10। सबके आंसर 10 है ना, 10 10 10 10 10, ये हो गया डिस्क्रिप्टिव, यानी जो है मैंने उसी को बयान किया, है ना, जैसा है, जैसा एज इट इज। डिस्क्रिप्टिव का मतलब वो जैसा है मैंने वैसा ही उसका वर्णन किया, है ना। लेकिन अब मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, बच्चों
10 मैंगोज हैं और हम सब लोग मैंगो जो हैं एक एक खाएं या दो दो खाएं। अगर एक एक खाएंगे तो सबको एक मैंगो मिलेंगे, अगर दो दो मैंगो खाएंगे तो 5 फ्रेंड्स मैंगो खाएंगे और 5 फ्रेंड्स मुंह देखेंगे खाने वालों का, तब आपका क्या आंसर होगा? क्या एक एक मैंगो खाना चाहिए, दो दो मैंगो खाना चाहिए? एक एक। लेकिन ये कहेंगे क्यों, ये मेरे मामा जी के घर से आए, मैं तो दो खाऊंगी, जिसको मिलना है वो मिले, जिसको नहीं मिलना है नहीं मिले। तो ये सवाल जो हो गया ये जजमेंट हो गया, उसमें एक वैल्यू का सवाल हो गया, कैसा होना चाहिए। बाकी फ्रेंड्स को लग रहा है कि अगर एक एक खाएंगे तो सबको एक मैंगो मिल जाएगा, लेकिन चूंकि ये मैंगो इनके मामा जी के घर से आया है तो इनको लगता है कि हम दो दो, हम तो दो दो मैंगो खाएं, जिसको ना मिले तो ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे बच्चे होते हैं ना घर के अंदर में, जब मैंगो आ गया तो बार बार खाएंगे और बाकी बड़ों को मिलता नहीं है। नॉर्मेटिव जो है ये है O2, एज इट शुड बी, जैसा होना चाहिए, और डिस्क्रिप्टिव है कि जैसा है, यानी डिस्क्रिप्टिव हो गया ऑब्जेक्टिव और नॉर्मेटिव हो गया वैल्यू बेस्ड, यानी उसमें आपको जजमेंट भी देना है, क्या सही और क्या गलत है इसका निर्णय करना है। तो कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल थियरी जो है वो नॉर्मेटिव है, यानी इसमें जजमेंट जो है क्या सही और क्या गलत है इस पे ज़्यादा बात होती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये ऑब्जेक्टिव है, ये इसमें वही बात होनी चाहिए जो है। लेकिन बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि पॉलिटिकल थियरी दोनों है, ये ऑब्जेक्टिव भी है और ये नॉर्मेटिव भी है। इकोनॉमिक्स भी ऑब्जेक्टिव भी है और नॉर्मेटिव है, क्योंकि हम उत्पादन के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करते हैं कि भारत में कितना दाल हुआ, कितना गेहूं हुआ, कितना ये हुआ, कितना पैदावार हुआ। लेकिन अर्थशास्त्री का ये भी होता है मकसद कि समाज में सब लोगों को रोटी मिले, सब लोगों को बराबरी मिले, इसलिए जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए सरकार योजना लाती है कि नहीं, कि उनको अनाज देना, उनके लिए घर बनाना, उनको आगे बढ़ाना। तो ये सवाल वैल्यू जजमेंट है कि नहीं है जजमेंट। अगर मान लीजिए कि आम अगर एक एक खाएं 10 तो एक एक मिलेगा, और 10 और आ गए बगल के क्लास के, तब क्या करना चाहिए बताइए? अगर 20 हो गए आ गए क्लास में तो तब आधा आधा करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू जजमेंट हुआ कि नहीं जजमेंट? तो हमारा जो समाज है, हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो वैल्यू लोडेड होगा ही होगा। तो पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल थियरी है, वो नॉर्मेटिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। एक और सवाल है, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थियरी को पढ़ने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका है कि हम उसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं, है ना, और एक तरीका है कि हम आइडियोलॉजी के वाइज से पढ़ते हैं, जैसे सेकुलरिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, इस तरह से पढ़ते हैं। और एक तरीका है हम हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं, जैसे थिंकर्स को पढ़ेंगे, इन्होंने जैसे आप इकोनॉमिक्स के हैं, मिल ने क्या कहा, है ना, एडम स्मिथ ने क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, रिकार्डो ने क्या कहा, तो उस तरह से हम पॉलिटिकल साइंस में भी उसी तरह से पढ़ते हैं, एरिस्टोटल ने क्या कहा, प्लेटो ने क्या कहा, मैकेवली ने क्या कहा, लॉक ने क्या कहा, हॉब्स ने क्या कहा, रूसो ने क्या कहा, तो हम वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने ये पाया, क्या क्या 5 चीजें पाई, अगर मुझे समराइज करना हो, मान लीजिए कि कुछ भी आप लोगों ने नहीं सुना, सब दिमाग से उड़ गया, तो हमने ये पाया 5 चीजें। अगर आप मुझे कहेंगे कि बताओ 5 अहम अहम चीजें क्या हैं, तो मेरे मुताबिक 5 अहम चीजें ये हैं कि पॉलिटिकल थियरी सोशल लाइफ कैसे ऑर्गेनाइज हो इसके बारे में अध्ययन करता है। पॉलिटिक्स हमेशा डर्टी चीज नहीं है, पॉलिटिक्स का मेन कंसर्न जो है वो सोसाइटी बेहतर कैसे ऑर्गेनाइज हो, ये है। पॉलिटिक्स जो है वो दूसरे डिसिप्लिन जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इससे लिंक्ड हैं, है ना, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का जो कंसर्न है वो एक बेहतर समाज बनाने का है, रिकंस्ट्रक्टिंग ए गुड सोसाइटी, है ना, ए जस्ट सोसाइटी। और पॉलिटिकल साइंस में हम
पढ़ते हैं स्टेट, लिबर्टी, जस्टिस, पुअर, रिच, टैक्सेस, पॉवर्टी, ये सारी चीजें, अथॉरिटी, आपका इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी और राइट्स, सोशल ग्रुप, वार, पीस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जेंडर, क्लाइमेट चेंज, रिच, पुअर, ये सब हम पढ़ते हैं। लेकिन इस सेमेस्टर में चूंकि ये छोटा कोर्स है, आप लोग ग्रेजुएट के कोर्स हैं, तो हम इसमें चार पांच कंसेप्ट ही पढ़ेंगे, इक्वालिटी, लिबर्टी आपका और है, जेंडर, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों से, मैंने कोशिश की आप लोगों से बात को बताने की कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक डर्टी डिसिप्लिन नहीं है, एक करप्शन वाले लोगों की पढ़ाई नहीं है, ये समाज को कैसे बेहतर ऑर्गेनाइज करना है, हमारे क्या अधिकार हैं, राज्य को कैसे कैसे काम करना चाहिए, सोसाइटी को कैसे बेहतर ऑर्गेनाइज करना चाहिए, हमें संसाधनों का वितरण कैसे करना चाहिए, जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं उनको कैसे अधिकार मिलने चाहिए, ये तमाम चीज़ों को, डेमोक्रेसी, सब सारी चीज़ों की पढ़ाई होती है। और आप लोग धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और ये इंट्रोडक्शन क्लास में एक बात याद रखिए कि आज के बाद से आप PhD तक जो भी पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में, वो सारी चीज़ें वही होंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आज मैंने कही है। इसका ये मतलब नहीं है मैं कह रहा हूँ कि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया आपको, नहीं, जो मैंने कहा उसकी आवाज़ आपको, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसकी आवाज़ आएगी, आएगी वो आवाज़, कोई भी सब्जेक्ट, अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ेंगे अगले साल में तो वो आवाज़ आएगी, इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट, नागरिकों के अधिकार, जाति, रिलीजन, ये आएगी अधिकार। अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में तो वहाँ पे आएगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो चीज़ें आएंगी। अगर आप पढ़ेंगे जेंडर पढ़ेंगे तो आएगी महिलाओं के अधिकार, वो आएगी, है ना। तो मैं यही कह रहा था कि जो हमने आज पढ़ा ये बातें आपको बार बार सुनाई देंगी। जैसे आप इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं ना, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थियरी होता है ना, होता है ना, तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, तो हर जगह आते हैं कि नहीं आते हैं, वो ऐसा तो नहीं है ना कि चलो चलो आज पढ़ लिया अब क्या लेना देना, नहीं 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 ऐसा नहीं, वो आते हैं, हाँ वो बहुत एडवांस रूप में आएंगे, लेकिन वो आएंगे। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो हमने इंट्रोडक्शन दिया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने पॉलिटिकल साइंस के जो चीज़ें दिखाई, आप लोगों को इस सब्जेक्ट में दिलचस्पी होगी, आप इसको पढ़ेंगे और आप समझेंगे कि जो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ के आई हूँ, या साइकोलॉजी पढ़ के आई हूँ, हिस्ट्री पढ़ के आई हूँ, या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के आई हूँ, या हिंदी पढ़ के आई हूँ, तो इससे इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई दूसरी चीज़ है, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। सारे डिसिप्लिन का कंसर्न सोसाइटी, लोग ही होते हैं, बस सबका कहने का और बोलने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो पूछिए।